1971 की लड़ाई में हमारी योजना चारों ओर से हमला करने की थी। पूर्वी पाकिस्तान के पूर्व की लंबी सीमा पर आक्रमण करना चार कोर के जिम्मे था। प्रारंभिक लक्ष्य अखौरा नाम के शहर पर कब्जा करना था। अखौरा एक प्रमुख यातायात केंद्र था तथा ढाका पहुंचने के लिए मेघना नदी तट तक जाने की राह में पड़ता था। अखौरा पर आक्रमण करने से पहले गंगा सागर नामक ठिकाने पर काबू पाना आवश्यक हो गया। इसके लिए उत्तर की ओर से हमला करने का दिखावा करते हुए दक्षिण में स्थित गंगा सागर पर हमला किया। यह कार्यभार 14 गार्ड बटालियन के सुपुर्द किया गया। हमला गुपचुप ढंग से शुरू किया गया, मगर दुश्मन ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने आक्रमण कर रही हमारी फौज पर भारी बमबारी शुरू कर दी। इसमें तोप गोलों की तो बहुतायत थी ही, गोलियों की बौछारों ने भी आगे बढ़ने पर भारी रोक लगाना शुरू कर दिया। 14 गार्ड के इस हमले में सामने की बाई वाली कंपनी के साथ लांस नायक एल्बर्ट एक्का भी थे। हमले के दौरान उन्होंने देखा कि दुश्मन के एक बंकर से लाइट मशीनगन की गोलियों की बौछार हमारे रास्ते में विघ्न डाल रही है। उसके कारण बटालियन के कई सैनिक जख्मी हो चुके हैं। एल्बर्ट एक्का ने इसका काम तमाम करने की ठानी। अपनी चिंता किए बगैर उन्होंने दुश्मन के बंकर पर एक ओर से बड़ी मुस्तैदी और जोश के साथ धावा बोल दिया। बंकर के भीतर दुश्मन के दो सैनिक थे, दोनों को ही उन्होंने संगीन की मार से हताहत कर डाला। इस तरह उस लाइट मशीनगन का मुंह बंद कर दिया गया। दुश्मन पर संगीन चलाते समय लांस नायक एक्का स्वयं गंभीर रूप से घायल हो गए। इस पर भी उन्होंने अपने साथियों का साथ न छोड़ा। उनके साथ जुटकर वे दुश्मन के एक एक बंकर का सफाया करने के अत्यंत जोखिम भरे काम में लग गए। दुश्मन की यह पोजीशन काफी गहराई तक अंदर को थी। बंकरों और मोर्चों का सफाया करते करते वे कोई 1.5 किलोमीटर की दूरी पार कर गए। लांस नायक एक्का के जख्म से खून बहता जा रहा था और थकान भी बहुत बढ़ गई थी। जब दुश्मन की पोजीशन का आखिरी भाग पार कर लिया गया और सबने सोचा कि काम पूरा हुआ, तभी एक दुमंजिली इमारत से मीडियम मशीन गन का भारी फायर आना शुरू हो गया। इससे हमारे सैनिक हताहत भी हुए और आगे की बढ़त में भी रुकावट आई। लांस नायक एक्का से यह सहा नहीं गया। वे सरपट रेंगते हुए उस इमारत के पास पहुंचे, बड़ी हिम्मत और साहस के साथ ऊपर भी चढ़ गए। पर चढ़कर उन्होंने सैंड बैग से घिरा वह बंकर ढूंढा, जहां से फायर की घातक बौछारें आ रही थीं। लपक कर उसमें एक ग्रेनेड फेंका। ग्रेनेड फेंकने से दुश्मन के एक सिपाही की तो तुरंत मृत्यु हो गई, पर दूसरा केवल घायल हुआ। उसने किसी प्रकार लाइट मशीन गन का चलाना जारी रखा। यह वाकई बड़ी हिम्मत और हौसले का काम था। हीरे की टक्कर हीरे के साथ थी। लांस नायक एक्का ने बंकर की दीवार एक ओर से चढ़नी शुरू की। ऊपर चढ़कर उन्होंने नीचे कूदने के साथ उस मशीन गन चालक को अपनी संगीन के वार से हताहत कर डाला। इस साहसपूर्ण कार्य से हमारे बहुतेरे सैनिक हताहत होने से बच गए, साथ ही उनकी बटालियन के सिर विजय श्री का सेहरा बंधा। गंगा सागर पर पाई इस विजय से आगामी आक्रामक योजना को बड़ी भारी सहायता मिली। अखौरा पर आक्रमण करने के लिए एक महत्वपूर्ण द्वार खुल गया था। अखौरा ढाका पहुंचने के लिए सबसे छोटे रास्ते पर स्थित था। इसका महत्व इससे ही समझा जा सकता है। लांस नायक एक्का को गहरे घावों तथा खून बह जाने के कारण अपने प्राणों का बलिदान करना पड़ा। 29 वर्षीय लांस नायक एक्का को मरणोपरांत वीरता के सर्वोच्च पदक परमवीर चक्र से सुशोभित किया गया। बांग्लादेश की लड़ाई का यह एकमात्र परमवीर चक्र था।